ان هذا القران يهدي للتي هي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم لك حديث من رشاد فرمايه कियामत के दिन जब जन्नत का दाखिला होता है तो गरीब और मस्किन लोग पाँच सौ साल पहले मालदार लोगों से जन्नत में दाखिल हो जाते हैं पाँच सौ साल पैसे वाले मालदार लोग उसके पीछे आते हैं गैप कितना है पाँच सौ साल मिनिमम मैक्मम भी कितना होता लालम क्यों क्योंकि आप देखिए आप जब भी दुनिया में सफ़र करते हैं यानी कि किसी सिटी से दूसरी सिटी तक चाहे वो सफ़र गाड़ी का रहो प्लेन का रहो किसी किस्म का सफ़र रहे उसमें क्या होता आप अगर प्लेन के सफ़र में जा रहे हैं और या ट्रेन के सफ़र में या गाड़ी के सफ़र में तो आप जितने बैग अपना सामान भर लिए जितना रख लिए वो लोड बन जाता है आपकी गाड़ी के ऊपर भी और आपके ऊपर भी फिर जब वहाँ पर पहुँचते हैं वो लगेज बढ़ गया तो उसका हिसाब अलग देना पड़ता एक्सेस लगेज का फिर आपके सामान में कुछ चीज़ों को अलाउड नहीं है वो छाट छाटा के निकाल के फेंके जाते हैं फिर कुछ चीज़ अलाउड नहीं है वो कंट्री में इंटर होना या वो सिटी में वो चीज़ भी आपसे अलग लेकर उसका टैक्स या आप उसकी ड्यूटी या उसको सीज़ किया जाना ये अलग मामला है तो जितने सामान जितने बैग जितनी चीज़ें आपके साथ सफ़र में होते हैं उतना ही आप परेशान होते हैं कि कोई बैग छूट गया तो नहीं कोई चीज़ मिस हो गई तो नहीं उतना ही टेंशन और उतना ही बौरानगी इंसान के सफ़र में इसलिए दुनिया में आप जितनी ज़रूरत है उतना ही लीजिए और दुनिया से हल्के निकल जाइए क्यों क्योंकि आज का हिसाब आपके सामने नज़र नहीं आ रहा है कल का ठहराव हिसाब के लिए बहुत भारी होने वाला है माशाल्लाह अल्लाह से अल्लाह रहम करे हमारे और आप पर मामला इधर से ही अपनी ताल्लुक बहुत से चीज़ों से जो लोगों में एक हिरस और हवस आता है कि मुझे ये भी चाहिए वो बिल्डिंग भी चाहिए वो घर भी चाहिए वो फार्म भी चाहिए वो गाड़ी भी चाहिए वो बंगला भी चाहिए ये कपड़े भी चाहिए ये खाने शाही भी चाहिए ये सारे चीज़ें आपके सफ़र का लोड आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है इसलिए जन्नत का दाखिला आसानी से उनको मिलता है जिसके पास कुछ चीज़ ज़्यादा नहीं थी दुनिया में जितनी ज़रूरत थी उतना ही गुजार लिया इसलिए सुफ़िया नबिन रह कहते थे ए एम एन ली दुनिया बेकदरीबा दुनिया में आप उतनी ही मेहनत और मज़दूरी करके कमा लो जितना आपको वहाँ ज़रूरत है गुजारने के लिए दुनिया में वह एम एन ली एक और आखिरत का अमल उतना ही मेहनत करके उतना हासिल करो जितना आपका वहाँ पर ठहराव और बाकी रहेंगे वहाँ पर तो आज दुनिया वालों के अमल से ऐसा लग रहा है कि लोग को कोई धोखा देकर कह दिया तुम्हारा परमानेंट स्टे यहाँ है जितना लूटना है लूटिए हलाल हराम के फ़र्क मत कीजिए अल्लाह महफूज़ करे ऐसी गफलतों से कल के दिन आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे ये बात से अपने आप को बचाइए क्यों क्योंकि मोमिन जिंदगी में अल्लाह ताला का डर और परहेज़गारी क्यों करता है गलत हराम खाशात से हराम माल से हराम बंदों को तकलीफ़ अजियत देने से जुल्म करने से अल्लाह की इबादत में तर्क करने से या कोताही करने से ये सारे चीज़ों के पीछे फिक्रमंद होता है और जस्तजू से इबादत करता है गुनाहों से परेज करता है हालाँकि उसकी भी ख्वाहिश होती है मगर इसको सबर करते हुए अपने ख्वाहिश को लगाम लगाता है और जन्नत उसके सब्र के बदले में मिलती है कितना ऐसा सब्र है जो मुमिन इख्तियार करता है बर्दाश्त के बाहर भी हो गया तो उसको रोकता है क्यों अल्लाह का सच्चा बंदा है तो आख़रत में उसको वही सब्र के बदले आराम मिलता है और वही तकलीफ़ और मशक्क़त इबादत में जो जस्तजू करके भाग दौड़ करके उसको मेंटेन करता था उसकी बदौलत अल्लाह रहम और करम करता है और उसको इनाम में लहुफ़ी हमयून व हम तश लहफ़ी हमायउन अरमान और ख्वाहिशात जितने हैं पूरे कर लीजिए यहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं जो खाना पीना जो अल्लाह के लिए आपने अपने आप को पाबंद और परहेज़ किया है आज आपको आज़ादी है अपनी जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश के मुताबिक अपना ज़िंदगी के इनाम को हासिल कीजिए लिहाजा ईमान वाले अपनी कामयाबी इसी में ही जुड़ा कर रखते हैं कि हम बंदे हैं बंदगी की ज़िंदगी जीेंगे चाहे हमारे ख्वाहिशात उसके खिलाफ टकरा रहे हैं तो भी ख्वाहिशात को कुचलेंगे अल्लाह को राज़ी करेंगे